नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी को उन्हें और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश करार दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने एक बार फिर अपने खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मनीष ने अपने पत्र में लिखा, मेरे खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं और कई और दर्ज होने वाली हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूं। मुझे धमकी दी गई और रिश्वत की पेशकश भी की गई, लेकिन मैं नहीं झुका। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में 5 दिन की CBI हिरासत में बंद सिसोदिया ने लिखा, परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझे नहीं झुकने के लिए गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी जेलों से नहीं डरता और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने उन लोगों की अनगिनत कहानियां पढ़ी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और झूठे आरोपों में जेल गए, कुछ को फांसी पर लटका दिया गया। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने अपने इस्तीफे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया। दोनों नेताओं के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP के नेता अमित मालवीय ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपने इस्तीफे के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें, सिसोदिया को कल ही CBI ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर शराब घोटाले में आरोप लग रहे हैं। सिसोदिया को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को 4 मार्च तक CBI की हिरासत में रहना है। वहीं ED ने जून 2022 को केजरीवाल सरकार के ताकतवर मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन के पास दिल्ली के गृह और स्वास्थ्य विभाग के अलावा ऊर्जा, PWD, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और जल संसाधन जैसे विभागों की जिम्मेदारी थी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद BJP ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 3 C पर चलती है, यानी कट, कमीशन और करप्शन। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 9 महीने के बाद जैन का इस्तीफा स्वीकार किया है। सिसोदिया को तो आरोप सामने आने के बाद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। BJP नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर सिसोदिया की याचिका में कहा गया है कि वो 18 विभागों को देखते हैं, जब उन पर आरोप लगे तो सफाई देने के बजाय वो इन विभागों पर बैठे रहे। वहीं BJP के नेता परवेश वर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली की जनता की आज जीत हुई। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल भी अपना इस्तीफा तैयार रखें, आपके सभी भ्रष्टाचारियों को अपने किए पापों की सजा भुगतनी होगी। मनीष सिसोदिया के मामले में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर भ्रष्टाचार का जो पैसा जुटाया गया उसे गोवा चुनाव में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने उतरी आम आदमी पार्टी अब खुद भ्रष्टाचार कर रही है। इसके नेता पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद साधने में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उससे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार है। माकन ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने खुद एक कमेटी बनाई थी ये देखने के लिए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या बदलाव किया जाए, लेकिन इन बदलावों को लागू नहीं किया गया क्योंकि भ्रष्टाचार करना था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी मांग कांग्रेस काफी समय से कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह है, इन सब घोटालों के पीछे असली मास्टरमाइंड केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा कब देंगे? मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने BJP सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर ऐसे नेताओं की सूची जारी की है जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे, लेकिन जैसे ही BJP में शामिल हुए उनके खिलाफ जांच रोक दी गई। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पर तंज कसते हुए कहा कि शायद वो बीफ के बारे में बात कर रहे थे। शशि थरूर ने 8 नेताओं की लिस्ट जारी की है। इनमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाइक और नारायण राणे हैं। इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन BJP या इनके सहयोगी दलों में शामिल होने पर इनके खिलाफ जाँच बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में CBI द्वारा भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले लिया।
सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला दिया। सीजीआई ने कहा कि आप एक एफआईआर को चुनौती दे रहे हैं, रिमांड को चुनौती दे रहे हैं, जमानत की मांग कर रहे हैं, सभी अनुच्छेद 32 के तहत। आपके पास धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट जाने का उपाय है। जिसके बाद सिसोदिया की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में जमानत के लिए अनुच्छेद 32 को लागू किया जा सकता है। इस पर सीजीआई ने जवाब दिया कि अर्णब गोस्वामी का मामला था जो हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया था, और विनोद दुआ का मामला एक पत्रकार के खिलाफ आलोचनात्मक रिपोर्ट करने के लिए था, जबकि मौजूदा मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत है। तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी दर थड़ाम हो गई है। सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए जीडीपी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए जीडीपी घटकर 4.4% रह गई। ये दूसरी और पहली तिमाही की तुलना में काफ़ी कम है। पहली तिमाही में जीडीपी दर 13.5% थी, जबकि दूसरी तिमाही में ये जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी दर 6.3 रही थी, लेकिन तीसरी में और गिरकर 4.4% रह गई है। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा कि तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.4% रह गई, जो कि पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5% थी। जीडीपी ग्रोथ पहली तिमाही के मुकाबले आधी भी नहीं रही, ये आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका है। जीडीपी की सुस्त चाल का मतलब देश में कम निवेश, जेब में कम पैसा, रोजगार का संकट। कांग्रेस ने कहा कि मोदी के अमृतकाल में एक आम आदमी के लिए जीवित रहना ही एक वास्तविक चुनौती है। विवादों से घिरे अडानी समूह को एक और झटका लगा है। दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जेपी मॉर्गन की एसेट मैनेजमेंट यूनिट ने अडानी ग्रुप में ईएसजी फंड के जरिए किए अपने सारे निवेश को बेच दिया है। ईएसजी फंड्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले एक महीने से लगातार गिरावट देखी जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन की एसेट मैनेजमेंट यूनिट ने अडानी ग्रुप की कंपनी एसीसी लिमिटेड के 70,000 शेयर बेचे हैं। जेपी मॉर्गन ने ये निवेश मई 2021 में किया था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक जेपी मॉर्गन के एक और फंड ने एसीसी में करीब 1350 शेयर बेचे, जिसमें उसने पिछले साल निवेश किया था। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि जेपी मॉर्गन, जिसकी कभी एसीसी में 0.04% हिस्सेदारी थी, अब ईएसजी फंड के जरिए अडानी ग्रुप के किसी भी कंपनी में कोई निवेश नहीं रखा है। हालांकि अडानी ग्रुप के नॉन ईएसजी फंड्स में जेपी मॉर्गन का निवेश बना हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को बजट सत्र बुलाने की अनुमति देने से राज्यपाल के इनकार पर भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से ही होगा। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार को मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा, क्योंकि राज्यपाल ने विधानसभा बुलाने के प्रस्ताव से इनकार किया। सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर राज्यपाल अपने विवेक से जाते हैं और बजट सत्र नहीं बुलाएंगे, क्या वो बजट सत्र का अर्थ समझते हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, क्या इस तरह से राज्यपाल को काम करना चाहिए? उन्होंने संविधान को हाईजैक कर लिया है। में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्रों में बेहद अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। राज्यपाल ने विधानसभा बुलाने से इनकार नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुछ बयानों पर कानूनी राय लेने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने अनुच्छेद 167 के तहत कुछ जानकारी मांगने वाले राज्यपाल के पत्र का सीएम द्वारा दिया गया जवाब भी पढ़ा और कहा कि ये भाषा गली स्तर की भाषा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ से अपमान किया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य है। साथ ही बेंच ने कहा कि जब कैबिनेट ने सत्र आहूत करने की सलाह दे दी है, तो राज्यपाल इससे बंधे हुए हैं, वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। बेंच ने कहा कि आप विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हो सकते हैं, निश्चित रूप से राज्यपाल को राजनीति से ऊपर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने दलील दी कि ईडी प्रमुख एसके मिश्रा को दिया गया सेवा विस्तार अवैध है। एसके मिश्रा के कार्यकाल को विस्तार को देने वाले मामले में बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन, जिससे केंद्र सरकार को ईडी के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई, वो भी अवैध था। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई में हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि ये मुद्दा एक व्यक्ति का, एसके मिश्रा का ना होकर सिद्धांत के बारे में है।
विश्वनाथन ने बताया कि केंद्र ने जवाब दिया था कि उसने सीवीसी अधिनियम में संशोधन किया है और मिश्रा के कार्यकाल 17 नवंबर 2021 को विस्तार दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है कि विनीत नारायण और कॉमन कॉज आदि की याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए मिश्रा के सेवा विस्तार अवैध घोषित किया जाए। यह किसी पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे आगे ले जाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी प्रमुख को नवंबर 2021 से आगे का विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि फैसले में की गई विशिष्ट टिप्पणी थी कि विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से कार्यपालिका के प्रभाव से बचने के व्यापक सिद्धांत पर विचार करने का आग्रह किया। भारत चीन सीमा पर सालों से जारी तनाव के बीच अब चीन के विदेश मंत्री किन गांग G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वो सप्ताह भारत पहुंच जाएंगे। बता दें G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2 मार्च को होगी। बता दें भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। हालांकि मुद्दे सुलझाने के लिए लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई है। इससे पहले पूर्व चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 2019 में भारत का दौरा किया था। वो सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में हिस्सा लेने भारत आए थे। ममता बनर्जी की पार्टी TMC का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। हैक करने के बाद हैंडल के नाम और उसके प्रोफाइल फोटो को बदल दिया गया। इस हैंडल का नाम अब युगा लैब्स कर दिया गया है। इसके प्रोफाइल फोटो में काले रंग में लिखा हुआ Y लगाया गया है। हालांकि हैकिंग के बाद अभी तक इस अकाउंट से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। युगा लैब्स अमेरिका की एक ब्लॉकचेन कंपनी है। ट्विटर हैक होने के बाद TMC की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन पार्टी सांसद डेरिक ओब्रायन ने ANI से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द सही करने की कोशिश की जा रही है। अरबपति कारोबारी इलोन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक ट्विटर के CEO इलोन मस्क एक बार फिर अरबपतियों की लिस्ट में नंबर एक पर आ गए हैं। 2023 में अब तक मस्क की नेटवर्थ में करीब 36% का इजाफा हुआ। वहीं भारत के गौतम अडानी लगातार इस सूची में लुढ़कते जा रहे हैं और अब वो 30वें नंबर से भी नीचे चले गए हैं। 28 फरवरी 2023 के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ फिलहाल $187.1 बिलियन है। मस्क ने रईसों की लिस्ट में फ्रांस के बिजनेस टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने PTI प्रमुख इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले की सुनवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इमरान खान के लगातार गैर हाजिर रहने पर यह गैर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें इमरान ने इससे पहले आज ही 2 अलग अलग मामलों में अन्य अदालतों से अग्रिम जमानत हासिल की थी। इमरान को आज तोशाखाना मामले में दोषी तय किया जाना था, लेकिन उनके वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें आज की सुनवाई से छूट दी जाए, क्योंकि उन्हें कई अन्य अदालतों में पेश होना है। बता दें इससे पहले उनका अभियोग पहले 2 बार टाल दिया गया था। इसके साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने सुनवाई 7 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।